यगीपुर नहर जिसे नाला भी कहते हैं, कंकड़बाग पटना। आप देख रहे हैं ये कार, सफ़ेद कार है, ये टर्बो टर्बो टाटा कार है। इस कार में लड़का मर जाता है। एक लड़का जो था कल, जानते हैं क्या हुआ? गेट खुले छोड़ दिया। इसमें एक लड़का जो था जोगीपुर का, आइए दिखाते हैं कैसे क्या हुआ। उधर से गेट खुला हुआ था, अंदर आया, अंदर आकर के यहाँ बैठ गया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। छोटा लड़का था, जोगीपुर का ही था। अब अंदर बंद कर लिया, 3-4 बजे का समय था, एकदम कार गर्म अंदर में छटपटा रहा है। और वो बेचारा क्या कि यहाँ अंदर से कुछ औजार होता है नहीं, पेच उच खोलने वाला, वो औजार को लाया, औजार को ला करके भी कोशिश किया खुलने का, नहीं खुल रहा था। तब फिर संजोग से एक कॉलेज का लड़का था, फिर हम लोग भी आए, कुछ लड़कियां भी थी, कुछ बच्चे भी थे, सब उसको कह रहा है कि भाई कैसे खोलो, कोशिश करो, नहीं खुल रहा था। तब फिर उसके बाद बोला कि पहले इधर धक्का दो, ऐसे करो वैसे करो, फिर भी नहीं हो रहा, पसीना से परेशान। बच्चा है वो, है ये? नहीं, छोटा था, छोटा बच्चा था, जो छोटा बच्चा अंदर में था खाली। हाँ, और कोई नहीं था, गेट खुल ही नहीं रहा। हाँ, गेट खुल नहीं रहा था, अच्छा पटा रहा था। फिर खुले छोड़ दिया होगा तो हिल गया। तो फिर हम बोले कि था कहाँ, जोगीपुर का था। तो फिर गाड़ी यहीं थी लगा, हाँ यहीं लगा हुआ, ऐसे ही लगा हुआ, तो फिर क्या हुआ ना कि हम वो लोग बोला कि सुनिए ऐसे तो नहीं होगा, ताल इसको गेट तो खोल नहीं, तोड़ नहीं सकते हम लोग। तो बोला कि पत्रकार ने थाना का फ़ोन कर दिया। तो हमने ठीक है, मेरे पास नंबर है, बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि आएगी तो जल्दी नहीं, फिर संजो हुआ, इधर कोशिश किया खोलने का, फिर नहीं खुला, फिर उधर से कोशिश करके फिर ऐसे करके खींचा, संजो हुआ कि धक्का दिया, खुल गया। खुल गया तो लड़का जो था एकदम जैसे पिंजरा में जो चिड़िया रहता है ना, आज़ाद होता है, भागा इतना जल्दी से, पसीना होकर भागते भागते उसे भागा। और फिर उसके बाद बच्चे जो थे लोग, अब मान लीजिए कि वो लड़का जो था कॉलेज का लड़का नहीं आता, तब तो इसी तरफ पे मर जाता वो। और जानते हैं इस तरह की घटना मुंबई में, अमेरिका में हो चुका है, क्योंकि एक जगह हुआ कि बच्चा को दिल्ली या मुंबई में करके बच्चा को इसी तरह इसमें कार में रख दिया और बोला हम मार्केटिंग करके आ रहे हैं, बच्चा अंदर में गर्मी से तड़प के मर गया। अमेरिका में भी इसी तरह हुआ। तो इस तरह से गाड़ी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बताइए ज़रा, अगर वो लड़का कॉलेज का लड़का नहीं आता और नहीं उसको बताता कैसे, आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी ना। और वो लोग पत्रकार ने छाना को फ़ोन करने वाले, फ़ोन करने से जल्दी पुलिस गाय आती नहीं, तब तो ये बचता नहीं। लेकिन संयोग हुआ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद कि वो दरवाज़ा में शक्ति लगाए, कोई शक्ति लगाए, दरवाज़ा खुल गया ठीक करके, और जल्दी से भागा वो, पक्षी की तरह जैसे उड़ता है पिंजरा में से, वैसे उड़ के भागा उधर, तुरंत ही गायब हो गया उड़ करके। और उधर लड़का लोग भी इसलिए गायब हो गया जो बचाया था, और भी बच्चे थे, इसलिए गायब हो गए, कोई अगर इल्ज़ाम लगा देगा फिर गाड़ी में से कुछ निकाल लिया है तो फिर, इसलिए वो लोग भी गायब हो गया। तो वही हम कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी अपनी गाड़ी को खुला नहीं छोड़े, और बच्चों को भी गाड़ी के अंदर नहीं छोड़े, यह गलती नहीं करें, क्योंकि इस तरह की घटना बहुत हो चुकी है और बच्चे जो हैं कार के अंदर में गर्मी का तप करके मर चुके हैं। बहुत सारी जगह इस तरह की घटनाएँ हो चुकी हैं। ये तो बच गया, भगवान बचा लिए उसको नया जीवन मिल गया बच्चे को। इसलिए अब आसपास के लोगों को भी कहिएगा कि गाड़ी जो है खुली नहीं छोड़े। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? वीरेंद्र।